हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट। बैंक निफ्टी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोज हुआ है 36,430 पे, लगभग 630 पॉइंट गेन के साथ, लगभग 2% ऊपर बंद हुए थे हम। और यहाँ हमने फाइनली जो ऊपर के टारगेट थे 36,200-100 के, ये दोनों अचीव कर लिए। फिर से हमने 36,500 का लेवल भी टेस्ट किया। और यहाँ मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने 20 मंथ का जो एवरेज है और सुपर ट्रेंड, यहाँ दोनों का सपोर्ट लिया और यहाँ रिवर्सल दिया है। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। हो सकता है कि ये अर्ली साइन हो लॉन्ग टर्म रिवर्सल का, और यहाँ जो है तो जो लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड है ये कंटिन्यू हो सकता है। अगर ये कंटिन्यू होता है तो ऊपर फिर से 40,500 लगभग, उसके बाद में वो क्रॉस करते हैं तो 43,400, और लास्ट में लगभग 48,000 के लेवल जो है तो लॉन्गर टर्म में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मगर यहाँ निफ्टी जो है तो ऊपर के लेवल पे सस्टेन होना चाहिए। अगर निफ्टी मंथली क्लोजिंग बेसिस पे 33,800 के नीचे क्लोज होता है तो हम एक लॉन्ग टर्म करेक्शन देख सकते हैं, जो कि एक अपॉर्चुनिटी होगी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए। और आपको जो है तो उस सिनेरियो में S2 और S3 जो 28,000 और 23,000 के लेवल है उस पे लमसम आपको बैंक निफ्टी 20 में एक्यूमुलेट करना है, और मिनिमम 3-5 ईयर का व्यू रखना है। आपको अच्छे खासे 2x-3x गेन देखने को मिल जाएंगे उस पीरियड में, अगर आप इन जोन में बैंक निफ्टी 20 में एक्यूमुलेशन करते हो तो। यहाँ फिलहाल के लिए अर्ली रिवर्सल साइन दिख रहे हैं बैंक निफ्टी पे, जिसका टारगेट है 40,200। अभी देखते हैं डेली चार्ट, वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि लास्ट वीक के अच्छे खासे गेन के बाद वहाँ अर्ली रिवर्सल साइन दिखा दिए थे, और यहाँ जो है तो बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते लगभग 5.5% के गेन दिए हैं। लगभग हम 1,850 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं। इस वीक का लो था लगभग 34,600, हाई था लगभग 36,600, तो 2,000 पॉइंट की रेंज, और लगभग हम वीक के हाई पे बंद हुए हैं। तो ये दिखाता है कि अच्छे खासी बुलिश स्ट्रेंथ है मार्केट में ऑन वीकली चार्ट, और ये बाउंस बैक जो है तो ये कंटिन्यू हो सकता है। और अगले हफ्ते के लिए जो मेरा टारगेट रहेगा वो रहेगा कि पहला टारगेट रहेगा 36,800 का, और उसके बाद उसको क्रॉस करते हैं तो हम जो जा सकते हैं लगभग 37,600 के लेवल के तरफ। तो ये दो टारगेट रहेंगे मेरे अगले वीक के लिए। फर्स्ट टारगेट विल बी 36,800, और उसके बाद में जो है तो 37,600। ये आने वाले 1-2 वीक में हमें टारगेट दिखाई दे सकते हैं। ये मीडियम टर्म टारगेट है, और ये जो टारगेट है हो सकता है कि अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो हमें एक ही वीक में, अगले वीक में ये देखने को मिल सकता है। मगर कभी कभी थोड़ा सा बीच में मार्केट रैली देने के बाद कंसल्ट करते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, तो 1-2 वीक में हम ये मैक्सिमम टारगेट बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी 38,000 का लेवल क्रॉस करता है और वीकली क्लोजिंग उसके ऊपर देता है तो यहाँ क्लियरली रिवर्सल होगा, और हम जो है तो 40,000 प्लस के लेवल जो है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं मीडियम टर्म में। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने नीचे के सभी टारगेट अचीव कर लिए, S3 पे सपोर्ट लिया, अच्छा खासा बाउंस बैक दिया, और वहाँ से जो है तो अभी हम 20 डेज का जो एवरेज है और जो 200 डेज एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में अभी यहाँ जो है तो ऊपर के अच्छी खासी अपसाइड बाकी है बैंक निफ्टी में, तो यहाँ आपको अच्छी खासी रैली भी देखने को मिलेगी। यहाँ अगले हफ्ते के लिए मेरा जो बाइंग लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में वो रहेगा 36,000 और 35,600 का। इन लेवल पे मुझे बैंक निफ्टी मिलता है तो इन लेवल पे मैं एक्यूमुलेट कर लूँगा बैंक निफ्टी पे विद स्टिक स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इसके नीचे तो 35,300 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा जो टारगेट बनेगा हमारा। तो जैसे मैंने कहा यहाँ जो है तो यहाँ मल्टीपल टारगेट है, मगर जो मेजर टारगेट रहेगा मेरा वो रहेगा 37,600 का। तो ये मेजर टारगेट के लिए हम एक स्विंग ट्रेड बना सकते हैं। हमें बाय करना है बैंक निफ्टी अराउंड 35,600 टू 36,000 के रेंज में, स्टॉप लॉस 35,300 के नीचे, और जो मेजर टारगेट रहेगा वो रहेगा 37,600 का। तो ये एक अच्छा खासा ट्रेड बनता है। यहाँ रिस्क लगभग 400-500 पॉइंट की है, और रिवॉर्ड जो है तो लगभग आपको 1,500 पॉइंट का रिवॉर्ड है, तो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड बैठता है। तो अच्छा खासा ट्रेड है। यहाँ ऑप्शन ट्रेडर जो है
तो जो मंथली एक्सपायरी का ऑप्शन है 37,600 का, या फिर जो आपका एट द मनी वीकली ऑप्शन है जो 36,000 का, इन द मनी ऑप्शन पकड़ लीजिए, अभी तो वो इन द मनी है, मगर जब अगर करेक्शन आता है बैंक निफ्टी में तो वो एट द मनी हो जाएगा, तो उसमें आपको एक्युमुलेट करना है अगर आपको वीकली ऑप्शन में ट्रेड करना है तो, या फिर जो मंथली एक्सपायरी का 37,600 का जो कॉल ऑप्शन है उस पर फोकस करेंगे, उसको हम डिप्स पे बाय करेंगे और स्टॉप लॉस सेम रहेगा। अगर 35,300 के नीचे फ्यूचर स्लिप करता है तो हम उस ऑप्शन में जो भी लॉस होगा वो लेकर निकल जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हम इस लेवल को अगर क्रॉस करते हैं अगले हफ्ते तो उस ऑप्शन में आपको 2x गेन देखने को मिल सकते हैं। तो एक अच्छी खासी ट्रेड बैटरी है और यहाँ जो है तो मुझे लगता है कि निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मौका है एज पर रिस्क रिवॉर्ड, तो वहाँ आपको फोकस करना चाहिए। तो मेरा ओवर वेट रहेगा बैंक निफ्टी पे एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो विद लाइव सपोर्ट एंड फॉलो अप तो आप मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।